बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान आइडेंटिटीज़ पाकिस्तान, यानी गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त पाकिस्तान है। अगर हम माजी में जाएं तो पस मंज़र इसका देखें तो 1842 से पहले यहाँ पे इस इलाके में मुख्तलिफ राज्यों की और मीरों की हुकूमत थी और इंडिपेंडेंट छोटे छोटे ये रियासतें थीं। तो गिलगित में जो राजा था उनके आपस में जब इक्तदार की जो लड़ाई हुई उसमें एक राजा जो था वो सिख दरबार में मदद लेने के लिए गया, तो 1842 में पहली दफ़ा इस इलाके में एक सिख फ़ौज कर्नल नथे शाह की ज़ैर कमान 1000 के करीब स्ट्रेंथ थी, वो गिलगित आई और आके उन्होंने इनिशियली तो वो रिस्टोर कर दिया था राजा को, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो राजा थे यासीन के घोरामान उन्होंने कभी फॉरेन आउटसाइडर्स को इस इलाके में एक्सेप्ट नहीं किया। सो देयरफॉर इनको यहाँ पे सिखों को सब्सिक्वेंटली डोगरों को यहाँ पे कदम जमाने का मौका नहीं दिया। 1860 में जब घोरामान की डेथ हुई तो उसके बाद ये जो है ये दोबारा इस पे डोगरे इस इलाके में आए और आके उन्होंने इस इलाके को एनेक्स किया और यहाँ पे उन्होंने फिर गिलगित वजारत बनाई। और इसी तरह सिकरदों में भी यही हुआ कि वहाँ पे भी एक मुकामी जो राजा था मोहम्मद शाह वो सिख दरबार में गया, वहाँ से मदद मांगी और इसी तरीके से आउटसाइडर फोर्स वहाँ पर आके उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया था। जब ये यहाँ पे डोगरे जब आए तो उन्होंने घोरामान से उन्होंने बड़े उसको घोरामान का तबाह बर्बाद किया था, उनको बदला लेने के लिए दे अटैक यासीन में मदोरी फोर्ट का बड़ा एक दिलखराश वाकया हुआ, या इसको आप कह सकते हैं ग्रेट मैसेकर एट यासीन, जिसमें 2000 के ऊपर यासीन के ख्वातीन बूढ़े बच्चे उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किए। इस पर एक डिटेल वी लॉग की ज़रूरत है तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। इलाके की अहमियत उस वक्त बढ़ती जा रही थी, रशियंस की एडवांस हो रही थी, तो देयरफॉर 1877 में मेजर जॉन बेडलफ को यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना के भेजा और इसे गिलगित को एजेंसी बनाया। और सब्सिक्वेंटली एजेंसी बाद में ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाद में डेवलपमेंट्स हुई तो कर्नल ड्यूरांड को 1889 को दोबारा पोलिटिकल एजेंट बना के यहाँ पर भेजा गया। और फिर आपको याद है कि जब वो यहाँ पर आया तो उसने कोशिश की हुंजा नगर पर अपना असर रसूख बढ़ाने की, फिर मशहूर एंग्लो ब्रशो वार यहाँ पर लड़ी गई जो नगर वालों के साथ थी जिन, और इसके बाद फिर उनका चिलास वालों के साथ भी एक बैटल हुई। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो थे डेवलपमेंट्स कर्नल ड्यूरांड के आने के बाद ये वहाँ पर हुई। और 1935 को सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई कि गिलगित वजारत का इलाका जो था ब्रिटिशर्स ने लीज पर ले लिया था। और गिलगित वजारत का जब कहा जाता है तो गिलगित वजारत मीन्स उस वक्त जो था इट वाज अस्तोर, बोंजी, गिलगित टाउन, कारगा और हराम, दिस वाज टोटल गिलगित वजारत। सो ये गिलगित वजारत को उन्होंने लीज पे दे दिया था। तो जब पार्टीशन प्लान हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि लीज पे तो उन्होंने गिलगित वजारत ली थी, उन्होंने इंटायर द रीजन गिलगित बल्तिस्तान को हैंड ओवर किया महाराजा हरी सिंह को, और ब्रिगेडियर गंसारा सिंह गवर्नर बन के यहाँ पे आया। सिंस यहाँ के मकामी लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और गिलगित स्काउट्स ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज गवर्नर। सो देयरफॉर 31 अक्टूबर 1947 को द रेजिडेंस ऑफ गवर्नर गंसारा सिंह वाज सराउंडेड बाय गिलगित स्काउट्स, एक झड़प हुई एंड मॉर्निंग को ब्रिगेडियर गंसारा सिंह सरेंडर टू देन सूबेदार मेजर लेटर कैप्टन बाबर खान को सरेंडर किया, एंड देन ही साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑन 3rd November 1947। और स्काउट्स लाइंस में पाकिस्तान का परचम लहराया गया और अकॉर्डिंग उसको सलूट गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दरख्वास्त की कि जी हमने इलाका आज़ाद कराया, आके इसको टेक ओवर कर ले। सो दैट वाज द अनकंडीशनल एक्सेशन ऑफ पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ। और इसके बाद फिर आईबेक्स फोर्स बनी और टाइगर फोर्स थी और इसके बाद स्कीमो फोर्स थी और इनको डिफरेंट टारगेट्स दिए गए थे, दे आर वर तमाम ये सक्सेसफुल रहे। और आईबेक्स फोर्स ने सिकरदू को लिबरेट कराया 14 अगस्त 1948 को, जब वहाँ पे कर्नल थापा सिख जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 250 जवानों के साथ ये सीओ थे कर्नल शेर जंग थापा, उन्होंने सरेंडर किया वहाँ पर और इस तरह सिकरदू को भी आज़ाद कराया। सो गिलगित बल्तिस्तान के लोग दो किस्म के जो हैं आज़ादी मनाते हैं, 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और 14 अगस्त को पाकिस्तान के साथ आज़ादी। और इसके अलावा 1948 की जंग के बाद
नेहरू जो था वो ये जो था कश्मीर का इशू लेके यूनाइटेड नेशन में चला गया था। तो 1950 में जो रेजोल्यूशन एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की, दैट वाज रेजोल्यूशन नंबर 80, 1950 को ये पास हुई थी। इस रेजोल्यूशन में बेसिकली एरिया वाज डिफाइंड जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा। सो इसमें गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट टाइम जिक्र किया गया और इसमें पोलिटिकल डिस्ट्रिक्ट का भी जिक्र था, चिलास का भी जिक्र था और अस्तौर का भी जिक्र था। इसके साथ साथ इसमें यह कहा गया था कि रायशुमारी होगी, अफवाज विड्रॉ करेंगे। तो इंडिया को पता था कि रायशुमारी होगा तो वो कभी भी ये इनके हाथ से निकल जाएगा, तो वो कभी उन्होंने होने नहीं दिया और इस तरीके से आज तक ये सरहद खाने में ये सारा सिलसिला पड़ा हुआ है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक लैंडमार्क डिसीजन में गिलगित बल्तिस्तान को के लोगों को पाकिस्तान का शहरी करार दिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि वहाँ पे आप लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं। तो सक्सेसफुल गवर्नमेंट जो भी थे जिन्होंने डिफरेंट स्टेप्स उठाए हैं ताकि वहाँ पे हालात बेहतर हों, 2009 में गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया गया, पहले इट वॉज नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। सत्ताईस अजीज कमीशन एक्ट बना और इस कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल प्रोविंस बनाया जाए। ताहम ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन 2018 का आया कि रिफॉर्म्स एक आर्डर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया और सब्सिक्वेंटली 2019 में अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इसको कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, तो 2018 के आर्डर को उनका दोबारा रिव्यू करें। तो पिछली जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने सितंबर 2020 में ऐलान कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान को वो एक अबूरी सूबा बनाएंगे एंड इट विल बी लिंक टू द फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशू। और अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त 1 नवंबर 2020 को जब गिलगित उन्होंने विज़िट किया था तो वहाँ पर जाके एक गैदरिंग में उन्होंने कहा था कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है और ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने लगातार जो अपने जो रेजोल्यूशन पास किए उनमें यूनानिमसली उन्होंने कहा था गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए और इस पर उन लोगों में किसी में कोई इख्तलाफ नहीं था। और उन्होंने कहा, और फिर इसके अलावा यह है द पीपल ऑफ बल्तिस्तान जो दे वांट देयर आइडेंटिटी विद पाकिस्तान, तो इसलिए वो लोगों का इस पर यकीनन था कि आप कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तसव्वुर किया जाए। अब हम देखते हैं इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया तो देखें गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान में इंटरफेरेंस है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रहा है, तो इसमें हम एक अलग वीलॉग में वी कैन डिस्कस आउट। इंडिया को इसलिए है कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन उसको पता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फिर कराकोरम हाईवे की वजह से इंपॉर्टेंट है, अभी सी पैक की वजह से इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बड़ी कोशिश है कि डिस्टेबलाइज इस रीजन को कर सकें बाय ऑल मींस, कि इसमें वो देखता है किस तरीके से कर सकते हैं और हमें सिलसिले में पता भी और हम गाहे बगाहे इसमें बात करते रहते हैं। और इसके बाद जो है इंडिया ने एक 1994 में लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इज एंड शल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि ये भारत का टूटा अंग है, इनका मतलब ये था। और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 24 सीटें हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो सीटें रखी गई हैं। लोकसभा इंडिया के लोकसभा में एक और रेजोल्यूशन पेश की गई थी जिसमें कहा था कि ये लोकसभा में 3 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट इस रीजन को देनी चाहिए, जस्ट टू शो दियर क्लेम्स। और इसके बाद हमने देखा जी 2019 में इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर किया और इंडियन बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे अभी बाहर से लोग आके स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो डेमोग्राफिक इम्बेलेंस हो जाए और न्यू पॉलिटिकल मैप्स बनाए जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने लद्दाख में शामिल किया, जबकि लद्दाख हिस्टोरिकली देखा जाए तो सिकंदर के मकबूनों ने उस पर हुकूमत की हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की, फिर एक नाम निहात उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था, वेदर फोरकास्ट देना शुरू कर दिया था गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। और इसके अलावा एक 1987 में एक एक्सरसाइज ट्राइडेंट वाज प्लान 1987 में, इट वाज एक्सरसाइज कम ऑपरेशन और इसमें एक कोर ने हिस्सा लेना था, 3 डिवीजन ने हिस्सा लेना था। जो पहले फेज में उन्होंने अटैक सिकंदर पर करना था एंड सब्सिक्वेंट फेज टू में उन्होंने गिलगित पर जाना था। जब पाकिस्तान को इतला मिली, जब पाकिस्तान ने अपनी तैयारी पकड़ी तो फिर इनकी ज़रूरत उसके ऊपर हो नहीं सकी। और इसके अलावा इनकी कोशिश जनरल वी के सिंह राव को याद हो, इनके फॉर्मर आर्मी चीफ है, तो उन्होंने कहा था कि द प्लान्स आर रेडी,
we will take Gilgit Baltistan appropriate time. और इसके अलावा 2020 में मई में एक सेमिनार इंडिया में हुआ जिसमें तमाम थिंक टैंक्स थे, जिसमें सिविल भी थे और फौजी, और फौजी मोस्टली वो थे जो जम्मू एंड कश्मीर में रहे थे, 15 कोर के कमांडर रहे थे, और उन्होंने बात की थी ए नॉन मिलिट्री मेथड, जो थीम था ए नॉन मिलिट्री मेथड टू रेस्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, और स्कोप था हाइब्रिड वारफेयर, वल्नरेबिलिटीज ऑफ द रीजन एंड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो ये कर रहे हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम ये तो शुरू से कर रहे हैं और उसी पे फोकस है, जिसको अभी आपने देखा ना कि जो ईयू लैब है, जब उन्होंने पीछे इनका बांडा फोड़ा तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के भी फेक किस्म के एनजीओस बने हुए थे, जिसमें था गिलगित बल्तिस्तान फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान स्टडीज़, और इस पर हमारे जो थे वहाँ पर ड्रामे करके नाम यूज़ हो रहा था और वहाँ पर लोग कुछ और थे। अभी मैंने रिसेंटली एक वी लॉग देखा और एक वो एक साल पुरानी वी लॉग थी और आदर्श गुप्ता है उनकी ये वी लॉग थी, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने शख्सगम वैली जो है चीन के हवाले कर दिया, ये तो कश्मीर का हिस्सा था, और उन्होंने कहा कि जी ये 1963 में जो हमारा बेसिकली बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था और ये 5180 उनके बकौल है, लेकिन बात यह है इसमें पाकिस्तान ने नॉट ए सिंगल इंच टेरिटरी चाइना को दिया, बल्कि चाइना से हमने इलाका लिया है। इसमें हमारे फॉरेन जो से मिनिस्टर थे अब्दुस्सत्तार ऑन रिकॉर्ड हैं कि उसमें लिखा था कि हमने चाइना को एक इंच भी नहीं दिया बल्कि चाइना से एरिया लिया था, और उन्होंने एक पूरी स्टोरी इस पर बयान की है, सो जिनको डाउट है वो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद वो कहता है प्रिंसली स्टेट में बाहर से मुदाखलत हुई जो वहाँ से पख्तून ट्राइब्स आए, तो बात यह है कि भाई 568 प्रिंसली स्टेट्स थे और इनके प्लान ये था कि प्रिंसली स्टेट जो हैं वो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखे फैसला किया जा सकेगा। तो कश्मीर का साथ तो ज्योग्राफिकली वो तो पाकिस्तान के साथ थे, इंडिया के साथ तो कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो फिर तो अब पहले दो नंबर ये की गई, रेड क्लिफ ने जो पहला इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था दैट उसमें गुरदासपुर वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन माउंटबेटन के कहने पे वो ड्राफ्ट चेंज हुआ, गुरदासपुर को इंडिया में शो किया गया ताकि पठानकोट से एक्सेस दिए जा सके। दिस इज़ हाउ ये एक ड्रामा किया गया। और दूसरा ये है कि अगर राजे की अगर मर्जी से उन्हें सीट किया तो निज़ाम हैदराबाद ने भी तो कहा पाकिस्तान की बात की थी, फिर वो मानना चाहिए था, फिर जूनागढ़ वालों ने भी बात की थी, तो ये ऐसा कोई नहीं था, ये सारा एक किस्म का ड्रामा था। और ये ज़बरदस्ती जब पुंछ के लोगों ने महाराजा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो, और जब उनके अट्रासिटीज़ उन पर मसाइल शुरू हो गए तो पख्तून ट्राइब्स ने फिर उनको मदद के लिए फिर आगे वो बढ़े और उन्होंने कश्मीरियों की मदद, अपने भाइयों की मदद की। पाकिस्तान आर्मी तो तब आए जब इंडियन आर्मी ने एडवांस करना शुरू कर दिया था और मुजफ्फराबाद वाज थ्रेटन्ड, सो दैट वाज द टाइम जब आर्मी एक्टिव हुई और आके उन्होंने इंडियन एडवांस को रोका। और फिर वो कहता है कि इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबल स्टेट, तो नो फर्स्ट अटैक वाली पॉलिसी पे गामजन है, ऐसा कोई नहीं है, आपने तमाम हरबे आजमाए हैं और आजकल आपका फोकस पहले तो टेररिज्म पे था और है, और इसके अलावा अभी आप फिफ्थ जनरेशन वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर कर रहे हैं जो थीम जिस तरह सेमिनार्स पर आप लोग कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि देयर इज अ रिकमेंडेशन कि एग्जाइल सेटअप होना चाहिए ताकि वो प्रेशर इन पर डेवलप कर सकें, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान का एक जाइल में सेटअप होना चाहिए। मैं पहले तो आप देखें ना, आपके मणिपुर वालों ने ऑलरेडी सेटअप बना लिया है, आपके नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं ऑलरेडी, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, उनका क्या होगा, आपके हाथ से तो निकल जाएंगे। सिख तो ऑलरेडी दे आर बिजी विद ए रेफरेंडम, कल कैनेडा में रेफरेंडम हो रहा है तो वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं सिखों के, तो वो दिस अ ग्रेट डिज़ायर कि वो एक इंडिपेंडेंस खालिस्तान बने। और इसी तरह आप देखें नॉर्थ साउथ में आपकी डिवीज़न है, नक्सलाइट्स आपके 40% एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पहले अपने घर की फिक्र करें फिर बात की बात करें। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करता है, ग्रेवेंसीज हैं, लोगों में तहफ़ात हैं, तो चीन इनके इलाके में इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, चीन के लोगों के साथ हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इलाके में डेवलपमेंट की है, सड़कें बनाई हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और हिस्टोरिकली गिलगित बल्तिस्तान के ताल्लुक इवन पार्टीशन से पहले हमारे हंजा के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे विद चाइना के साथ, हमारे गिलगित के लोग जो बल्तिस्तान के लोग हैं वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, दे फ्रीक्वेंटली कम एंड गो, गिलगित बल्तिस्तान के जो मार्केट्स हैं दे आर फ्लडेड विद चाइनीज गुड्स, तो एक अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज़ के लोगों के साथ। जस्ट टू कंक्लूड, द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वर
आर एंड विल रिमेन पार्ट ऑफ जो है पाकिस्तान है, और वो तो ये कहते हैं दे आर पाकिस्तानीज फर्स्ट, पाकिस्तानीज लास्ट एंड पाकिस्तानीज ऑलवेज। व्लॉग देखने का शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पैदा हो गया हूँ माउंटेन्स में। मेरा बड़ा भाई है और तकरीबन 58 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई लॉस्ट इन द माउंटेन्स। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने मुझे परमिशन दी, और उनका उनका ये था कि मुझ पर वो ट्रस्ट करते थे, उनको यकीन था कि हमारी बहन यू नो मर्दों से कम नहीं है। पता चला था गांव में कि हम लोग खेलना शुरू हुए तो थोड़ा सा लोग थे बोलने वाले, बट अभी नहीं, फैमिली ऑल द टाइम हमारे साथ रही और हमें कोई मसला नहीं हुआ खेलने में। हम कोशिश करते हैं लोकल लोगों को भी फायदा जाए और लोकल टिम्बर भी इस्तेमाल करें, फॉरेस्ट टिम्बर इस्तेमाल ना करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट बचे। Is it beautifully stunning to look at, but the people that you meet have always got a handshake and a warm welcome and a wave and a good morning, and that makes all the difference. With an annual production of 114,286 tons, it has made Pakistan the third largest apricot producer. Gilit